हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा टेक्नो सॉरी इन्फिनिक्स GT20 प्रो फ़ोन है, तो इन्फिनिक्स GT20 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर कैसे अपने फ़ोन में बैक बटन्स वगैरह को आप कैसे चेंज कर सकते हैं और बैक बटन्स को कैसे आप बदल सकते हैं या फिर चेंज कर पाएंगे अपने इन्फिनिक्स फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि बैक बटन्स को आप चेंज कैसे कर सकते हैं और कैसे चेंज कर सकते हैं फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से पहुंच जाएगी। तो फ़ोन में बैक बटन्स वगैरह को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है, जिसमें से आपको सिस्टम सेटिंग्स पर जाना है। सिस्टम सेटिंग्स पर जाकर फ़ोन में बैक बटन्स वगैरह को आप चेंज कैसे कर पाएंगे, सिंपली सिस्टम नेविगेशन पर जाना है। सिस्टम नेविगेशन पे जाकर बैक बटन्स को आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली जैसे नेविगेशन पे क्लिक करते हैं तो बैक बटन से आपके बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे और आप इसमें गेस्चर मोड का आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप बटन्स का यूज़ कर सकते हैं, अपने बटन को चेंज भी कर सकते हैं और आप चाहें तो बटन्स वगैरह लगा भी सकते हैं। सिंपली इस तरीके से इस पर क्लिक कर दें तो बटन्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी बैक बटन्स को आप चेंज कर सकते हैं अपने फ़ोन में। अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो आप यहाँ से सर्च करके भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं। सिस्टम नेविगेशन से आपको सर्च करना है, सिस्टम नेविगेशन सेटिंग्स है, ओपन हो जाएगी, जिस पे जाकर फ़ोन में बैक बटन्स को आप चेंज कर पाएंगे। देख सकते हैं कि सिंपली सेटिंग शो हो रही है, जहाँ से गेस्चर नेविगेशन पे क्लिक करके बटन्स को हाइड कर सकते हैं या 3 बटन नेविगेशन पे करके बैक बटन्स को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से बैक बटन्स को आप चेंज कर पाएंगे और बैक बटन्स को बदल पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।